महंगाई की मार झेल रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। देश के कई शहरों में 12-12 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। बिजली विभाग के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 5000 मेगावाट बिजली की कमी है। ऐसे में लोगों का इस भीषण गर्मी में जीना मुहाल हो गया है। कई जगहों पर कामकाज भी ठप हो गया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी लड़ाई का असर अब दुनिया भर में भी दिख रहा है। यूरोप ने यूक्रेन पर हमले के कारण रूस से गैस की खरीद लगातार कम कर दी है। इस कारण एलएनजी की ग्लोबल कीमतें आसमान छू रही हैं। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने करीब एक दशक पहले एनर्जी को लेकर नई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाई थी। नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने एलएनजी में भारी निवेश किया था। इटली और कतर की कंपनियों को एलएनजी सप्लाई करने का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अभी ग्लोबल मार्केट में एलएनजी की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। ये कंपनियां पाकिस्तान को मिलने वाली एलएनजी कहीं और खपाकर ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पावर प्लांट से लेकर फर्टिलाइजर प्लांट तक एलएनजी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने बिजली बचाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को शनिवार के शिफ्ट से छुट्टी दे दी गई है। सुरक्षा कर्मचारियों के बजट को 50% कम किया गया है। शादी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। फर्टिलाइजर प्लांट को एलएनजी की सप्लाई रोककर पावर प्लांट को ज़्यादा आपूर्ति की जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि इलाकों में मोबाइल नेटवर्क तक गायब हैं। बिजली के अभाव में टावर काम नहीं कर रहे हैं और ऑपरेटर्स के पास अब जनरेटर चलाने के लिए तेल नहीं बचा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।